show. So, Mr. Ram, best of luck. आप हमारी ईमेल का इंतजार करिएगा. Thank you, ma'am. Thank you, sir. What do you say? Next. Satyendra Nawab. आ गए क्या? कह रहे हैं आ गए क्या? पहले पान थूक के आइए. पान नहीं खा के आए सर. उका है ना कि हमारे बाप बहुत बड़े पनवाड़ी हैं. हमारी बहुत बड़ी पान की दुकान है. तो बचपन से हमें पान खाने की आदत है. तो पान खाते खाते मुंह ही ऐसा हो गया. अब हम पान नहीं खाते तो भी ऐसे ही बोलते हैं. पान नहीं खा के आए सर. ओके कम सेट. ये कौन सा तरीका है? आ जाए क्या? जंगल से आए हो क्या? जंगल से नहीं आए हम, यूपी में लखनऊ से आए हैं. आदाब आदाब आदाब. इसमें नाम सत्येंद्र नवाब लिखा हुआ है. कहीं के नवाब हो क्या? अरे बताया ना सर कि लखनऊ से आए हैं. नवाबों का शहर लखनऊ. वो क्या है ना कि नवाब हमारे खून में बसते हैं सर. तो नाम के आगे नवाब लगाते हैं और सत्येंद्र नवाब लिखते हैं. सत्येंद्र नवाब लिखते हैं सर. लिसन मिस्टर नवाब, If you want to do this job, then you have to leave your Nawabi attitude. देखिए है तो बहुत मुश्किल, लेकिन आप कहते हैं तो चलिए कोशिश कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. So Mr. Nawab, आपने career objective में mention किया हुआ है to work with the organization providing dynamically whatever. आप समझा सकते हैं इसका मतलब क्या है? अगर आप समझाना चाहें तो. अब ये तो मैम साइबर कैफे वाला ही बताएगा. हम उसके पास गए. हमने कहा हमारे लिए रिज्यूम बना दीजिए. हमारा आज इंटरव्यू है भाई. तो अपने कंप्यूटर में वो पहले से ही एक रिज्यूम बना के रखा हुआ था. वही चाप के हमको दे दिया. खुदा की कसम लखनऊ शहर में झूठ नहीं बोलते. सच में लिखे हो करवा दीजिए. कोठा समझ गया हो क्या? अब जो हमको समझ में आया लिख दिए. सेक्स में लिखते हैं मेल या फीमेल. मेल फीमेल समझते हो ना? आदमी या औरत. अरे तो भगवान ने आपको जो आंखें दी हैं, आप भी तो देख के समझ सकते हैं कि आदमी है कि औरत है. मिस्टर नवाब, आपने इंटरेस्ट में लिखा हुआ है पान खाना जो कि दिख रहा है. चूना लगाना समझ में नहीं आया, आपको समझाएंगे? देखिए मैडम, चूना हम दो ही टाइम लगाते हैं. पहला जब पान लगाते हैं तो सामने वाले से पूछ लेते हैं कि चूना लगाएं कि ना लगाएं. और दूसरे वाले में सामने वाले की सहमति नहीं मांगते हैं, बस लगा रहते हैं. समझ रहे हैं मैडम? अपने हॉबी में एक और चीज मेंशन किया, सिंगिंग. कुछ हमें भी इंटरटेन करेंगे? अरे बड़ा टॉप का गाना गाते हैं हम. जिंदगी भर याद रहेगा आपको. ये सुनिए. बस है हुक्म का इक्का, बस इसमें मिमिक्री भी लिखा हुआ है. कुछ करके दिखाओ. अरे बिल्कुल. कुत्ते को मैंने मेरा खून पी जाऊंगा. इसमें तो वही एक और हॉबी लिखी हुई है, कुकिंग. मैम कुछ पूछना चाहेंगे? वैसे आप क्या क्या कुक कर लेते हैं? अभी हम तो बहुत कुछ बनाते हैं. आपको रहेगा बनाने? चाय बना लेते हैं आप? अरे बिल्कुल. बताइए कैसे बनाते हैं. कहा है कि पहले आप एक भगौना लीजिए. भगौना? व्हाट इज भगौना? अरे भगौना मतलब जिसमें चाय बनाते हैं. आप जिसमें चाय बनाने वो ले लीजिए, वो समझ लीजिए. उसमें थोड़ा सा पानी रख दीजिए और गैस डाल दीजिए. उसको गर्म होने दीजिए और फिर उसमें डाल दीजिए चाय पत्ती. और चाय पत्ती पहले डालेंगे ना तो चाय जल्दी खोल जाएगी. और जैसे ही खोल जाए तो उसमें अदरक डाल दीजिए और फिर दूध डाल दीजिए. और चीनी कब डालोगे? अरे मैं थोड़ा रुकिए तो, आपको बड़ी जल्दी है मैम चाय बनाने की. अरे मैं पहले चाय खोलने तो दीजिए. उसमें पहले दूध डलेगा, फिर चीनी डलेगी ना. फिर अगर आप चीनी पहले डाल देंगे दूध फट जाएगा, चाय भी फट जाएगी. चाय खराब होने फिर आप कहेंगे कि चाय अच्छी नहीं बनाते हो. हम आपको नौकरी भी नहीं रखेंगे. बताइए कोई बात है? सो मिस्टर सत्येंद्र नवाब, अगर 2 मिनट के लिए आपको इस देश का PM बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? देखिए क्या है कि हम 2 मिनट के अंदर देश का तो कुछ भला कर नहीं पाएंगे. 2 मिनट में मैगी बन जाती है, वो हम आपके लिए बना सकते हैं.
अच्छा ये बताइए, ताजमहल किसने बनाया है? अमित शाह ने बनवाया होगा सर। अमित शाह ने? आजकल इन्हीं के इशारे पिशारे काम हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना मैडम। अच्छा तो तुम यूपी के हो? हाँ। तो बताओ वहाँ क्या क्या फेमस है? देखिए सर, हमारे यूपी की गालियाँ बहुत फेमस है। हमारे यूपी के लौंडे इतनी बुरी बुरी गालियाँ देते हैं ना कि आप सुन लेते आपके कानों को खूनी बवासीर हो जाए। पूरे इंडिया में जितनी भी गाली दी जाती है सब हमारे यूपी से ही लौंड होती है। हमारे यूपी के लौंडे बहुत टैलेंटेड है, किसी मामले में कम नहीं है। आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए और जरूरत पड़े तो आज मान लीजिए। आप समझ रहे हैं ना मैडम? आपके पास बैंक अकाउंट है? हाँ है। अच्छा तो कितने पैसे हैं उसमें? जी यही कोई होगा 100-200 करोड़ रुपया है। अगर तुम्हारे अकाउंट में 100-200 करोड़ है तो तुम्हें इस जॉब की जरूरत क्या है? अरे आप बार बार काटे लौंडे की। अरे हम कह रहे हैं हमारे बैंक में 100-200 करोड़ रुपया है, हमारे खाते में खाली यही 125 रुपया होगा बस। इतने कम पैसों में आपका घर कैसे चलता है? अरे मैम घर कहाँ चलता है, घर तो वहीं रहता है। आपका ऑफिस भी दूर चलता है क्या? वहीं रहता है ना। तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। हम अपने इकलौते माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। और बहन? वो कहा है ना सर कि हमारे माँ बाप तो बहुत कोशिश किए लेकिन हम उनको कभी अकेला छोड़े ही नहीं, तो ना बहन हुई ना भाई, हम यहीं हुए। आप समझ रहे ना? क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तुम बार बार मैडम मैडम कर रहे हो। अरे आप बार बहुत करते हैं लौंडे की, जब से हम आए तब से कचार पचार बुजुर्ग बुजुर्ग कहे पड़े हैं। अरे देखिए मैडम में है ग्लैमर और असर का क्या है, सर में तो जू भी होता है। नायक नाम है मेरा। तो हमारा क्या नोच लेंगे? 1 लाख सैलरी पाता हूँ तो उसमें हमारा क्या फायदा? अच्छा ये बताइए, आपने ऐसा लग क्या है कि हम आपको जॉब दें? कट्टा देखे हैं कभी? हमारे ऑफिस में आके हम ही को धमका रहे हो? आप करते लौंडे, देखिए जो हम कर सकते हैं वही बोलते हैं और हम जो बोल देते हैं फिर वो करके छोड़ते हैं। और हम अपनी अम्मा से बोल के आए थे कि नौकरी तो हम लेके रहेंगे। अब आप बोल और सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर ले। ये हुई ना बात, यूपी से है, हल्के मत लीजिएगा। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास, मम्मा मास, फिर से बोलो। मैं इनोसेंट इंग्लिश अच्छा बैंक के लौड़े क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहां काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्सअप डो ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या वगैरह तेरा लंडाज कर रहे हैं, ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब ये कहते थे, माँ बाप टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी, भाग बहन तुमको क्या करना है। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. Aur English sunega tu madarchod to sun. 10th ke baad 2 saal lag gaye is college mein ghusne ke liye, coaching mein nikal diye, na kuch khele, na kuch seekhe. Aur 2 saal baad jab yahan pahunche, to pata chala ki bade shaharon ke convent school ke pade bache jab angrezi mein baat karte hain,
तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुनके। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं? बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियोरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहां है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, तीन तीन लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग, इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज़ अ लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस्ड ऑन आवर ऑलराउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर इन दिस पॉइंटलेस एचआर इंटरव्यू द लाइक्स ऑफ व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन आवर कंट्री। ये लो सर, बोल दिए मैंने चार और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन?